नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, सनातन धर्म में पर्वों और त्योहारों का बहुत ही महत्व है और त्योहारों की पवित्रता का हमारे ग्रंथों में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व जो ज्येष्ठ माह की दसवीं के दिन पड़ता है, ज्येष्ठ शुक्ल दसवीं दो देव शक्तियों माँ गंगा एवं माँ गायत्री का धरा धाम पर अवतरण हुआ था। सनातन हिंदू संस्कृति में ज्येष्ठ मास की विशिष्ट आध्यात्मिक व सांस्कृतिक महत्ता है। सूर्य की तपन की ज्येष्ठता प्रचंडता के कारण इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। सनातन हिंदू संस्कृति में ज्येष्ठ माह की विशिष्ट आध्यात्मिक व सांस्कृतिक महत्ता है, विशेषता है। सूर्य की तपन की ज्येष्ठता प्रचंडता और तेज के कारण इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। क्या ही दुर्लभ संयोग है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को दो दिव्य देवीय शक्तियां गंगा और गायत्री एक साथ धरा धाम पर अवतरित हुई थी। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सूर्यवंशी वंशज राजा भगीरथ ने अपने पुरखों को कपिल मुनि के शाप मुक्ति के लिए कठोरतम तप करके देव नदी गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा था, तो दूसरी ओर अक्षत्रिय से ब्राह्मणत्व ग्रहण करने वाले महामुनि विश्वामित्र अपनी दुर्धर्ष तपश्चर्या के बल पर ज्ञान गंगा की अधिष्ठात्री माँ गायत्री को देवताओं तक सीमित न रहने देकर भूलोक के कल्याण के लिए धरती पर लाए थे। एक ही पर्व एक तिथि पर दो दिव्य दैवीय शक्तियों का अवतरण भारतीय संस्कृति की विलक्षणता को सिद्ध करता है। भारतीय ज्योतिष के विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वर्ष 2024 में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की पुण्य फलदायी दसवीं तिथि 16 व 17 जून को मान्य रहेगी। इस हिंदू तिथि पंचांग के अनुसार उदया तिथि के मुताबिक गंगा दशहरा का पर्व 16 जून को तथा 17 और 18 जून को निर्जला एकादशी के दिन गायत्री जयंती पर्व पड़ रहा है। 10 महापातक नष्ट करता है गंगा दशहरा। शास्त्रीय उद्धरण बताते हैं कि गंगा दशहरा के पावन पर्व पर
सूर्यवंशी राजा भगीरथ का कठोर तप सार्थक हुआ था और स्वर्ग नदी गंगा देवाधिदेव शिव की जटाओं से प्रवाहित होती हुई धराधाम पर ब्रह्मा द्वारा निर्मित बिंदु सर सरोवर में उतरी थी। इस सरोवर की आकृति गाय के मुख के समान दिखने के कारण यह तीर्थ गोमुख के नाम से जाना जाता है। शास्त्रज कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को 10 योगों में माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस पर्व को दशहरा 10 प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला कहा जाता है। यह 10 योग हैं: ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि बुधवार हस्त नक्षत्र व्यतिपात योग गर्करण आनंद योग कन्या का चंद्रमा और वृषभ का सूर्य। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि गंगा का तत्व दर्शन जीवन में उतारने से 10 महापातक सहज ही छूट जाते हैं। यह 10 महापातक हैं: चोरी, झूठ बोलना, अनैतिक हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, परनिंदा, परस्त्रीगमन और नास्तिक बुद्धि। शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी कहा गया है। इसी कारण सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की प्रगाढ़ मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन सच्ची श्रद्धा से माँ गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। क्योंकि माँ गंगा शिवजी की जटाओं से होती हुई भूलोक पर आती हैं, इसलिए इस दिन माँ गंगा के साथ देवाधिदेव शिव का अर्चन वंदन भी शुभ फलदायी होता है। गंगा दशहरा पर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य के साथ गंगा स्त्रोत का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है तथा पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य प्राप्त होता है। जानना दिलचस्प हो कि कई साल पहले गंगा की प्रशस्ति में एक गीत लिखा गया था, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। वाकई एक दौर में गंगा वैसी ही थी, लेकिन बहुआयामी उपयोगिता व गहन धार्मिक आस्था के बावजूद हम मनुष्यों के पाप पूर्ण कर्तव्यों के चलते माँ गंगा आज प्रदूषण की गहरी मार झेल रही है। आइए भूल सुधारें और हम सब भारतवासी कलिमल हारिणी माँ गंगा की शुद्धि व सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध होकर पूरे मन से प्रयास करें तथा गंगा दशहरा का पर्व मनाना सार्थक होगा। हंसवाहिनी माँ गायत्री के प्रादुर्भाव का शुभ दिवस। शास्त्र कहते हैं कि समूचे सनातन ज्ञान विज्ञान की अधिष्ठात्री हंसवाहिनी माँ गायत्री का प्रादुर्भाव ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 52वीं तिथि को हुआ था। 20वीं सदी के गायत्री महाविद्या के महामनीषी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में
माँ गायत्री ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट होकर मंत्र रूप में गायत्री का तत्व दर्शन प्रकट किया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या के रूप में अपने चारों मुखों से चारों वेदों की रचना की थी। इसीलिए गायत्री मंत्र को वेदों का सार माना जाता है। ज्ञात हो कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। यह महामंत्र यजुर्वेद के मंत्र ओम भूर भुवः स्वः और ऋग्वेद के 3:62 और 10 में दसवें छंद तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् के संयोजन से बना है। इस मंत्र में सविता देवता की उपासना है, इसलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। ऋषि मनीषा कहती है कि गायत्री अर्थात गै प्राण तत्व और त्रय त्राण यानी मुक्त करने वाले इस महामंत्र के तत्व दर्शन के चिंतन के साथ जब से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस महामंत्र का हिंदी में भावार्थ है, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप ज्येष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सम्मार्ग पर प्रेरित करे। शास्त्रीय उदाहरण बताते हैं कि आरंभ में गायत्री सिर्फ देवताओं तक सीमित थी, लेकिन जिस प्रकार राजा भागीरथ कठोर तप से गंगा मैया को स्वर्ग से धरती पर उतार लाए थे, ठीक उसी तरह अक्षत्रिय विश्वरथ से ब्राह्मण तव ग्रहण करने वाले महामुनि विश्वामित्र अपनी दुर्धर्ष तपश्चर्या के बल पर ज्ञान गंगा की अधिष्ठात्री माँ गायत्री को देवताओं तक सीमित न रहने देकर भूलोक वासियों के कल्याण के लिए धराधाम पर उतार लाए और माँ गायत्री की महिमा अर्थात गायत्री मंत्र के तत्व ज्ञान को सर्वसाधारण तक पहुँचाया। ऋषि विश्वामित्र के अनुसार गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला मंत्र और कोई नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से गायत्री का जप करता है वह पापों से वैसे ही मुक्त हो जाता है जैसे कैंचुली से छूटने पर सांप होता है। श्रीमद् भागवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण का यह कथन कि मंत्रों में मैं गायत्री हूँ इसकी महत्ता को स्वयं प्रमाणित करता है। उपनिषदों के ऋषि कहते हैं कि भारतीय ज्ञान के ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत होने के कारण गायत्री सर्वोत्तम गुरु मंत्र भी है, इसीलिए गायत्री को ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। आधुनिक युग के विश्वामित्र माने जाने वाले गायत्री महाविद्या के महासाधक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अपने ग्रंथ गायत्री महाविज्ञान में लिखते हैं कि चारों वेदों का ज्ञान लेने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है अकेले गायत्री मंत्र को समझने मात्र से चारों वेदों का ज्ञान मिल जाता है। चारों वेद शास्त्र और श्रुतियां सभी
गायत्री से ही पैदा हुए माने जाते हैं। वेदों की उत्पत्ति के कारण उन्हें वेद माता कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की आराध्या होने के कारण इन्हें देव माता कहा जाता है। समूचे विश्व के समस्त ज्ञान विज्ञान का मूल आधार होने के कारण इन्हें विश्व माता कहा जाता है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी गायत्री महिमा में लिखते हैं, जैसे फूलों में शहद तथा दूध में घी सार रूप में उपस्थित होता है, वैसे ही समस्त वेदों का सार गायत्री है। यदि गायत्री को सिद्ध कर लिया जाए तो यह काम धेनु मनोकामना पूर्ण करने वाले गो माता के समान मनुष्य के समस्त वांछित मनोकामनाओं को सहज ही पूर्ण कर देती है। जिस प्रकार माँ गंगा शरीर के पापों को धोकर तन मन को निर्मल कर देती है, उसी प्रकार गायत्री रूपी ज्ञान गंगा में स्नान कर जीव की आत्मा पवित्र हो जाती है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार। आज गंगा दशहरा का शुभ अवसर है। ये पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल दशमी के दिन आता है। श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं। इस पर्व का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं इस दिन भगवान शिव की जटाओं के द्वारा स्वर्ग से गंगा माँ का अवतरण हुआ था और इसी दिन माँ गायत्री का भी आविर्भाव हुआ था। ये भारत में गर्मी का मौसम होता है और ज्येष्ठ मास गर्मी खूब पड़ती है। लोग गंगा में जाते हैं, स्नान करते हैं, दान देते हैं और माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। इसी तरह वेद माता गायत्री का भी सनातन धर्म में अत्यधिक महत्व है। अनेक कथानक हैं पुराणों में और उपनिषदों में माँ गायत्री का बहुत महत्व गाया गया है।